माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, पढ़िए अपनी सूचना या बोल दीजिए जैसा आपका मन हो। जी मन मानवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण व द्वेषपूर्ण रवैया अपने रखा है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब व कमजोर लोगों के बच्चों को जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें तत्कालीन सरकार ने जीरो बैलेंस फीस पर प्रवेश की सुविधा दी थी, लेकिन उक्त सुविधा को बंद कर दिया गया है जिससे लाखों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों का जीवन अंधकारमय हो गया है। उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट रही है। इससे पूरे प्रदेश के लाखों छात्रों में काफ़ी निराशा व हताशा व्याप्त है। छात्र लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन भी कर रहे हैं। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है, अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, जब ये भारत देश मानवर आजाद हुआ और आजादी के पहले भी एक बात मानवर में यहाँ इसलिए जरूर उल्लेख करना जरूरी समझता हूं कि परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको भारत का संविधान बनाने का गौरव हासिल है, और जब वर्ष 1913 और आज 2022 है तो वर्ष 1913 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब भारत में शिक्षा ग्रहण करके और विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब जाना हुआ तो उस समय के बड़ौदा नरेश, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने उस समय छात्रवृत्ति देकर आर्थिक रूप से मदद करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी। और पूरा खर्चा एक एक पैसे, क्योंकि उनके पास एक इतना भी पैसा नहीं था कि वो अमेरिका क्या भारत देश में किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो मानवर 1913 में हम आज के मौके पर महाराजा को नमन भी करते हैं कि जिनकी बदौलत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे दुनिया में जितने भी उस समय के जो विश्वविद्यालय थे उनमें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला और उन्हें बाद में संविधान बनाने का मौका मिला जिसके तहत आज हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं। मानवर, इसके साथ साथ उसी संविधान में, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में एक व्यवस्था की कि भारत देश के प्रत्येक बच्चे को, उन्होंने तो शिक्षा का जो अधिकार है मानवर इसको मूल अधिकार में शामिल किया है। और मूल अधिकार में ये व्यवस्था है कि भारत के एक एक बच्चे को जो 14 साल तक है उनको, चाहे वो किसी समाज के हो, दलित हो, पिछड़े हो, या वो सामान्य वर्ग के हो, किसी वर्ग के भी बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। और इसके साथ साथ मानवर जो, और इसमें लिखा भी है शिक्षा का अधिकार, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवर स्पष्ट रूप से इसको अपने कोर्ट किया है 1961 बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार और 21(1) शिक्षा का अधिकार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। मानवर, ये तो पता है सबको। मानवर, यही तो आपकी कृपा है कि ये सरकार को पता है मानवर, और पता होने के बाद जब ये नहीं होता है, याद दिला दीजिए बस। हाँ मानो, इसीलिए तो हमने संविधान, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कहां तक। नहीं मानवर, पुस्तक हम पूरी नहीं पढ़ेंगे मानवर, ये तो मूल अधिकार का, सिर्फ शिक्षा का अधिकार जो लिखा उतनी पढ़ेंगे। बात कह दीजिए, ये सरकार को मानवर मालूम है, और मानवर आप याद भी दिलाते रहते हैं मानवर समय समय पर। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जब मानवर सरकार को पता है
और उसके बाद मनवर आप सहृदयता से सरकार को निर्देशित भी करते हैं, तब ये हालत है कि सरकार ने क्या किया मनवर, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, और उस समय हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनमें एक गौतम विश्वविद्यालय की स्थापना की, और उसमें मनवर जो 1913 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विदेश में पढ़ने का मौका मिला था, उस बात को फिर से उस विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था की कि 50% छात्रों को व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि उक्त वर्ग के 50% छात्रों को यूरोप अथवा अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूपे शासन के खर्च पर यात्रा व्यय तथा रहन सहन के खर्च सहित एक सत्र के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। पहले सत्र में लगभग 110 छात्रों में से प्रबंधन एमबीए के 15 छात्रों को डेनमार्क में भेजा गया। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या ये सरकार ने सुविधाएं बंद कर दी, क्या ये आज क्या हालात है मानवर, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से देख ले तो शिक्षा के प्रति सरकार की कितनी उपेक्षापूर्ण, इनकी भावना कितनी द्वेषपूर्ण है कि अनुसूचित जात जनजाति के छात्र, एक तरफ तो जो प्राइवेट संस्थान इलाहाबाद में मानवर बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के भी छात्र हैं, अब छात्रों को कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता और बांटना भी चाहिए। आप कहेंगे फिर अनुसूचित जाति की बात क्यों की कि सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के भी छात्र हैं जो जो बेतहाशा जो फीस में वृद्धि की गई है, इतनी फीस है कि अगर जो सामान्य लोग हैं, एक तरफ तो सरकार 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क में राशन देती, इसका मतलब 15 करोड़ लोग बीपीएल से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो क्या 15 करोड़ लोग जो 3 करोड़ परिवार होंगे, जब वो उनको सरकार फ्री में राशन देती वो जब राशन लेके नहीं खा सकते, तो क्या वो 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 25,00,000 तक, ये तो सरकार बताएगी कि इनकी 25,00,000 की फीस लेने के लिए सरकार ने किनको अतिरिक्त किया है। अगर देखा जाए कुछ बातें हम लोग बोल देते हैं तो मानवर सरकार नाराज भी हो जाती है, आप भी मानवर सहृदयता से सुन तो लेते हैं कि लूट मचा दी है, मतलब लूट करने की खुली छूट अगर किसी को मिली हुई है उत्तर प्रदेश में, तो वो छूट मिली हुई है शिक्षण संस्थानों को। आप कितनी फीस तय करेंगे और पहले दिन आपको उसकी रसीद कितने की देंगे, कितना लेंगे, अगर उसकी मजबूरी होगी, गरज होगी, अगर उसको एडमिशन लेना होगा तो वो फीस कहीं से घर बेचे, जमीन बेचे, क्या सरकार को इस बात की अगर जांच करा ले, सामान्य वर्ग के भी हम बता रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी, अनुसूचित जाति के पास तो खेती बाड़ी है नहीं, सामान्य वर्ग के बच्चे तो जो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनका जमीन बेच के करते हैं, इस बात को दावे के साथ कहते हैं, अगर सरकार ईमानदारी से जांच करा ले तो लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोगों ने जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सरकार ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कृपा करके दया करके लाखों बच्चों को 0 बैलेंस पर, क्योंकि हमारी जो फीस है, हम भी मानवर पढ़ के आए, हमने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया था, तो उस समय हमें पता ही नहीं, घर से 75 रुपया 100 रुपया मुश्किल से मिलता था, लेकिन उसमें फीस भी हो जाती थी, छात्रावास में रह भी लेते थे, क्योंकि छात्रावास के रहने का जो खर्चा था वो सरकार देती थी। और पहले ये व्यवस्था माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी नेता ने व्यवस्था ये की कि जो आप सुविधाएं देते हैं, आप हमारी फीस की पूर्ति करते हैं, तो आप जिस दिन हम प्रवेश लेने जाते हैं उसी दिन हमारी 0 बैलेंस पर हमें प्रवेश होता है। आपने तय कर दिया कि बीएड की फीस है, इंजीनियरिंग की फीस है 57,000 फीस है, 80,000 फीस है, हमारा हम पहले दिन जमा करें। हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ये जांच कराए, पता करे कि कितने बच्चों को वो फीस ना दे पाने के कारण उन्होंने प्रवेश नहीं ले पाया, अगर प्रवेश ले भी लिया, एक किस्त उन्होंने कहीं से उधार करके इधर उधर करके अगर जमा भी कर दी, प्रवेश ले लिया, तो बीच में वो संस्थान वाले कहते आप
हम आपको तब प्रवेश पत्र देंगे, परीक्षा देने तब बैठने देंगे जब आप पूरी फीस जमा करो। मानवर ये तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं मानवर, ये देखने में बहुत छोटा विषय लगता है। सरकार तो अपना कह देगी, आराम से जवाब दे देगी, क्योंकि सरकार के उसमें तो सब एकदम से ठीक ठाक चल रहा है। टीवी में आप खोलो तो सब खुशहाल है। लेकिन हम इस बात को यहां कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार स्पष्ट रूप से जीरो बैलेंस पर जो अनुसूचित जात के अनुसूचित जनजात के छात्रों को जो प्रवेश की सुविधा थी, जो कोई भी शिक्षण संस्थान हो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे चाहे वो आप विदेश तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जब भारत देश में आप नहीं पढ़ाते हैं तो मानवर, बस एक मिनट, मानवर में सरकार से ये इसके साथ साथ ये मांग करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों अनुसूचित जात जनजाति के जो छात्र हैं, सरकार उनको जिस दिन वो प्रवेश लेने जाते हैं किसी भी संस्थान में, उसी दिन जीरो बैलेंस पर उनके प्रवेश हो, और उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है, किताबें दी जाती है, छात्रावास में रहने की जो सुविधा दी जाती है, उनकी जो व्यवस्था की जाती है, सरकार स्पष्ट रूप से हम उन सब व्यवस्थाओं को सरकार बहाल करे, उनको देने का स्पष्ट यहां से सरकार आश्वासन दे। मानवर इसी के साथ में इस बहुत ही गंभीर अवलंबनी लोकमत के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। माननीय नेता सदन, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बसपा के द्वारा जो विषय सदन में उठाया गया है, पहले तो मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहूंगा कि 2008-09 से प्रदेश में जो अत्यधिक संख्या में निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थान थे, वहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रवेश कराने के नाम पे धांधली की जाती थी। जांच की गई तो उसमें से 80% ऐसे कॉलेजों में बच्चे वहाँ पर प्रवेश दे करके और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का काम किया गया था। इस विषय को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के निःशुल्क प्राविधान की व्यवस्था को वापस लेने के बाद राज्य में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले यहां पर 40% तक SC/ST के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं उनमें अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जो पहले 40% सीमा थी उसे बढ़ा करके 100% अनुमन्य कर दिया गया, और इसके लिए एक खुशी की लहर है। आपको जो सूचना है वो कहाँ से है, अभी आपने एक विश्वविद्यालय की बात की, मुझे ये बताते हुए माननीय सभापति महोदय, जो भी अच्छा काम चाहे किसी भी सरकार के द्वारा किया जाता है उसकी सराहना करते हैं, लेकिन अगर हम शुरू करें एक तरफ से तो आप पूरब की ओर जाएंगे तो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, पश्चिम की ओर जाएंगे तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, आप सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो माता शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, आप लखनऊ के अंदर रहेंगे तो यहाँ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, आप प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो वहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। मैं ऐसा गिनाने के लिए मेरे पास अनेक है। साथ ही सरकार कितनी, मतलब विशेष तौर से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो कमजोर बच्चे हैं पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको लेकर के कितनी गंभीर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग के केंद्र प्रदेश भर में शुरू करवाने का काम किया है, जहां पर केवल अच्छे कोचिंग में जाकर के हमारे प्रतियोगी बच्चों को मोटिवेट करने का ही नहीं, शिक्षित करने का ही नहीं, पढ़ाने का ही काम नहीं किया जाता, बल्कि वहां का अगर मुख्यालय मंडल का है तो वहां के मंडल आयुक्त भी जाते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जाते हैं, वहां जो IAS अफसर हैं वह भी वहां पे बच्चों के बीच में जाते हैं।
आईपीएस अफसर जाते हैं, पीसीएस अफसर जाते हैं। मैं कई कोचिंगों में, मैं माननीय सभापति महोदय, चूंकि विषय ऐसा आया है जिसके आधार पर यह उल्लेख करना आवश्यक था, हमारी सरकार चाहे वह अनुसूचित जाति के बच्चे हों या जनजाति के बच्चे हों, चाहे पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हों, उनको लेकर के संवेदनशील है। उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनको अच्छा अवसर मिलेगा तो हमारे प्रदेश का नाम होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो सरकार की मंशा एकदम बहुत स्पष्ट है, और इसीलिए जो 40% तक का कोटा शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त जो कॉलेज थे उसमें था, उसे बढ़ा करके 100% करने का काम, जो प्रतियोगी बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क अभ्योदय कोचिंग का भी शुभारंभ किया गया है। और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर किसी कोचिंग में नहीं गए कभी जाइए, जो यूनिवर्सिटियां बनी कभी जाकर के उनको देखिए, जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त या सरकार के द्वारा संचालित ऐसे कॉलेज हैं वहां जाकर के 100% इसको करने का काम, 40% से बढ़ा करके। लेकिन कहीं घपला होगा, कहीं घोटाला होगा तो रोकना सरकार का दायित्व है, तो सरकार ने बहुत सोच विचार करके उसको रोका है जो गलत करने वाले थे, और सही तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़े, सरकार इसके लिए तत्पर। माननीय सभापति, माननीय अम्बेडकर जी, कुछ रह गया? सरकार ने कहा है, मानवर सरकार ने सीधे कहा है कि हमने उसको रोका है। और क्यों रोका है कि जो उसमें धांधली हो रही थी, जो शिक्षण, जो निजी क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है, वो शिक्षण संस्थान उसकी धांधली कर रही थी। बच्चे तो नहीं कर रहे थे मानवर, धांधली कर रहे शिक्षण संस्थान। और आपने शुल्क की प्रतिपूर्ति रोकी किसकी है? बच्चों की। तो सरकार क्या ये बताएगी कि अभी तक जो जांच कराई है कितने शिक्षण संस्थानों ने कितने रुपए की धांधली की और कितने को आपने जेल भेजा है? एक तो ये बता दे मानवर। अब इसकी सूचना कहाँ उनके पास होगी? तो ये सूचना कहाँ से आ गई कि आपने धांधली की वजह से जो बच्चे पढ़ने जाते थे, ये सरकार का पक्ष है, हनन क्यों किया? आपने जो विषय उठाया हम वही पूछ, उस विषय पर सरकार का जो पक्ष है जो वो नेता सदन ने रख दिया। हमने जो पूछा है तो सरकार उतना ही बताती। हाँ तो आप, सरकार तो और आगे चली गई एक कदम के, हमने इसलिए रोका है। और शासकीय और सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, सरकार हमें बता दे कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है और निजी शिक्षण संस्थान है, कितने छात्र प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाते हैं और कितने जो है सरकारी में पढ़ने जाते हैं? लाखों की संख्या में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें, तो प्रश्न करिए मान लो, यही हमारा क्या पूछना, हमारा प्रश्न ये है कि सरकार ने जो सरकारी शिक्षण संस्थान है जिनमें आप शुल्क की प्रतिपूर्ति करते हैं और प्राइवेट शिक्षण संस्थान उनमें आपने जो शुल्क की प्रतिपूर्ति बंद कर दी इसलिए कि वो धांधली होती है, तो धांधली करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि आप शुल्क की प्रतिपूर्ति को आप बाल करेंगे? ये मानवर ठीक है। माननीय नेता सदन, बस इस बात को शायद मैं समझता हूँ जानते हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते हैं उनकी जो फीस शुल्क प्रतिपूर्ति है वो पूरा 100% भारत सरकार करती है। भारत सरकार के माध्यम से जांच हुई और जांच में ही गलत पाने के बाद जो निजी क्षेत्रों में गड़बड़ियां हो रही थी, इसीलिए जो 40% जो शासकीय जो कॉलेज थे जो सहायता प्राप्त सरकार से थे वहां पर ये 40% से बढ़ाकर के 100% किया गया। बाकी जो आप कह रहे हैं उनको मैं दिखवा लूंगा कहां कोई, अगर आपको पर्टिकुलर कोई केस हो, लेकिन हम बच्चों के भविष्य में कोई आपके पास विशेष सूचना हो तो बता दीजिए मंत्री जी को। एक अनुरोध माननीय मौर्य जी, क्योंकि अनुसूचित जात के छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित ये माननीय अम्बेडकर जी ने प्रश्न उठाया, ये बात सही है कि जब से भाजपा सरकार बनी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति रोक दी है। यद्यपि सामान्य वर्ग के शुल्क प्रतिपूर्ति 100% हो रही है, 100% हो रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग के छात्रों की प्रतिपूर्ति बिल्कुल रोक दी गई है। और अनुसूचित जात के छात्रों की भी जो निजी जो नॉन एडेड विद्यालय थे उसमें पढ़ते थे उनकी रोक दी गई है। और याद अम्बेडकर जी का प्रश्न सही है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट ने कोई भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ FIR कराइए, उसके खिलाफ उसको जेल भेजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों का रोका क्यों गया? इसका मतलब है आपके उत्तर से स्पष्ट है कि यह सरकार
दलित और पिछड़े छात्रों की विरोधी है और इसीलिए उनकी संस्कृति को रोकने का काम कर रही है। अभी इसीलिए आपकी बात आ गई, मैं इसलिए कह रहा आपकी बात आ गई। माननीय नेता सदन ने कहा है कि हम इसको दिखवा लेंगे, अम्बेडकर जी ने जो विषय उठाया है उसको उन्होंने कहा दिखवा लेंगे। चलिए आपकी बात आ गई, समझ नहीं रही आपकी बात आ गई। बैठिए, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही है तो संदर्भित अगली